भारत ने गुरुवार को वेस्ट इंडीज को मैनचेस्टर में खेले गए वर्ल्ड कप मुकाबले में 125 रनों के विशाल अंतर से मात देकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में अपने विजयी क्रम को जारी रखा है। भारत की यह 6 मैचों में 5वीं जीत है, जबकि उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। भारत 11 अंकों के साथ 10 टीमों की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के भी 11 अंक है, लेकिन बेहतर रन रेट के कारण भारत उससे आगे है। भारत ने पहले खराब स्थिति से निकलते हुए कप्तान विराट कोहली 72 और महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 56 रन की पारियों के दम पर धीमी विकेट पर 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 267 रन बनाए। फिर मोहम्मद शमी की अगुवाई में भारत ने विंडीज को 34.2 ओवरों में 143 रनों पर ढेर कर जीत हासिल की। इस मैच में बेशक भारत की बल्लेबाजी का संघर्ष जारी रहा, लेकिन गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। शमी ने 4 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल को 2-2 विकेट मिले। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव 1-1 विकेट लेने में सफल हुए। मुश्किल विकेट पर 269 रनों के लक्ष्य पर पीछा करने उतरी विंडीज की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। क्रिस गेल और सुनील एब्रम्स की सलामी जोड़ी को शमी और बुमराह ने अपनी ओपनिंग स्विंग से परेशान कर दिया। शमी ने आखिरकार 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर गेल 6 रनों के साथ और 10 कुल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया।